हजूर, ये सवाल भी जर्मनी से आया। वो पूछते हैं कि चंदा और जकात में क्या फर्क है। जकात तो एक इस्लामी इस्तलाह है और माल के 40वें हिस्से पर देना जरूरी है, और वो माल जो एक साल तक इंसान के पास रहे उसका 40वां हिस्सा देना होता है। चंदे हमारे वो हर किस्म के हैं, 16वां हिस्सा चंदा कम से कम है, और वसीयत का 10वां हिस्सा या 30रा हिस्सा। तो चंदे बहुत ज़्यादा हैं और ज़कात से भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर ज़कात अल्लाह ताला का हुक्म है, उसको भी पूरा करना चाहिए, और चंदे अपने तौर पर जिंदा दे सकते हैं। लें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात बड़े एहतमाम के साथ बाकायदा वसूल की जाती थी और उसके मुहसिल मुकर्रर थे। एक वाकया दिलचस्प है इस सिलसिले में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अरबी हाजिर हुआ और उसने कहा, अल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला मेरे माल में बरकत दे। उसके माल में बहुत बरकत मिली, एक वादी से दूसरी वादी तक वो माल भर गया। जब उसके पास ज़कात के लिए आदमी गया तो उसने बड़े तकब्बुर से कहा कि हम मेहनत करते हैं और पालते हैं जानवर और उनको बढ़ाते हैं, तुम आ गए हो मुंह उठाकर ज़कात मांगने के लिए। उसने वापस जाके यही बात बता दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुज़ूर सल्लम ने फरमाया, आइंदा उससे हरगिज़ कुछ नहीं लेना, उसको अपने हाल पर छोड़ दो। उसके बाद उसको ख्याल आया और वो शर्मिंदा हुआ, उसने फिर कोशिश की देने की, रसूल ने फरमाया नहीं, एक तिनका भी तुमसे नहीं लेना। उसका माल इतना बड़ा कि वादी से वादी भर गई। हज़रत अबू बकर के ज़माने में गया उनके पास, उन्होंने भी इनकार कर दिया। हज़रत उमर के ज़माने में भी गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। कर्जी के बिलाखिर अपने उस माल के साथ हसरत के साथ मर गया और उससे ज़कात मंजूर की गई। तो रसूल सल्लम के ज़माने में ज़कात का बहुत अहतमाम होता था और उसके लिए ज़बरदस्ती कोई नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, जो क्या था नहीं देनी उससे नहीं लेते थे। एक छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है और सोने से पहले जो दुआ करना चाहिए, तो वो अल्लाह मियाँ से दुआ करता, अल्लाह मियाँ अब ये फला फला पेज हमारी जो दुआ की किताब में से देख लो, मैं यही दुआ करना था। कौन सी? अल्लाह मियाँ अब दुआ की किताब में से फला पेज देखो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।